देख सकते हैं किस तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट अपने हक के लिए यहाँ पर जबरदस्त प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन खासा नाराजगी है स्टूडेंटों के अंदर जिस तरह से जामिया को छात्र यूनियन नहीं दिया जा रहा है, जिसके बिना पर यहाँ पर जबरदस्त प्रोटेस्ट करते हुए यूनियन यूनियन की मांग हो रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरह से जबरदस्त स्टूडेंटों में एक उत्साह है कि हम यूनियन लेकर ही रहेंगे। तो हम आए पूछते हैं खास स्टूडेंट से, आप क्या कहना चाहेंगे यूनियन के बारे में? देखिए, जिस तरह से जामिया में स्टूडेंट के अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके लिए यूनियन का होना बहुत जरूरी है। पिछले 12 सालों से यूनियन बंद है यहाँ, यूनियन का कोई चुनाव नहीं होता है, जिस वजह से छात्रों के आम मुद्दे हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच नहीं पाते। बता सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के क्या एक्सक्यूज है अबाउट यूनियन के लेकर? वो कहते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, 2012 में किसी छात्र ने फाइल किया था, अभी उन्होंने एक नोटिस निकाला इस चीज को लेकर, दूसरा उसमें इन्होंने डेट भी नहीं डाला ना अपने पैड पर निकाला, डायरेक्ट नहीं निकाल के लिख दिया है। अरे हम कैसे मान ले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जब कोर्ट जामिया एक ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है, अपना फैसला खुद कर सकती है, तो यूनियन का ही फैसला ये खुद कर सकते हैं। तो अभी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर ये इस प्रोटेस्ट से नहीं मानेंगे तो आगे हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जामिया स्टूडेंट का कहना है कि अगर जामिया एडमिनिस्ट्रेशन हमारी आवाज़ नहीं सुनती है तो उसके लिए हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। बहरहाल यहाँ जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है स्टूडेंट का अंदर, और यहाँ पर इंसान के साथ साथ मतलब जानवर भी साथ सपोर्ट करते हुए यूनियन के हक में। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जबरदस्त प्रोटेस्ट किया जा रहा है यूनियन के लेकर, और बगैर यूनियन का क्या आप कह सकते हैं कोई चीज किसी की डिमांड नहीं किया जा सकता है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जबरदस्त यूनियन के लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो जामिया एडमिनिस्ट्रेशन को झुकना पड़ेगा अब यूनियन के लेकर, जिस तरह से ये एक नेशनल मुद्दा बनते हुए जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आप खुद इस पोस्टर में देख सकते हैं कि 12 साल